ओके सो विल कंटिन्यू. हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म कर रहे थे लास्ट टाइम. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. एंड द थ्री प्रॉपर्टीज आर डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हम स्टडी करेंगे, और उसमें से जो प्रॉपर्टी ओवर पावर करेगी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसके हिसाब से मटेरियल का वो बिहेवियर होगा. ओके, सो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिज्म, सो अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ करंट कैरी, इज लाइक अ करंट. तो अगर ये करंट जैसा है, देन दिस लूप इज लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल. ये कैसा है, एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा है. एंड इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर पर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. और मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कोई डायरेक्शन होगा. एंड देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन ऑफ सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो सबका जो वेक्टर डायरेक्शन होगा अलग अलग होगा. सो व्हाट विल हैपन इज सारे इलेक्ट्रॉन का अगर अपन वेक्टर एडिशन करें, बिकॉज दीज ऑल वेक्टर्स आर इन रैंडम डायरेक्शन, दे मे एड अप टू जीरो, दे मे नॉट एड अप टू जीरो. बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, दे एड अप टू जीरो. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज जब ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल है, इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट. इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. क्या बोलते हैं, यहां पे नहीं लिखा है क्या, लिखा होगा यहां पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज इट्स मूविंग इन द ऑर्बिट. अब जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, देन व्हाट हैपेंस इज आइदर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल. ओके, व्हेन वी प्लेस इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी प्लेस इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बी एक्सटर्नल बोल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायपोल जो इलेक्ट्रॉन का है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डायपोल है ना, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
बी एक्सटर्नल, दो चीजें पॉसिबल है ना, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग का जो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है उसकी जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में, यानी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा या उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ईएमआई के चैप्टर में, तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट इसको समझ लो, सुन लो, समझने का काम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, देन अकॉर्डिंग टू ईएमआई इट विल बी अपोज्ड, इट विल बी अपोज्ड, उसका अपोजिशन होगा। सो व्हाट विल हैपन इज इस डायरेक्शन में जब होगा देन इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन, इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की कोशिश हो रहा है उसको अपोज करेगा। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा देन इलेक्ट्रॉन विल स्पीड अप, इलेक्ट्रॉन विल स्पीड अप, या यूं मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा। खाली इस लाइन को याद रख लो, इसको डिटेल में हम समझेंगे ईएमआई के चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें। सो व्हाट हैपेंस इज दिस बिहेवियर व्हिच इज ट्राइंग टू अपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली रिजल्ट्स इन रिपेलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिपेलिंग ऑफ बी एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या होता है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड आर, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, अगर मैं ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दूं, ओके और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लें, अगर हम लोग कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लें तो क्या होगा? अगर हम लोग कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लें तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ से तो ऐसा जाएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसी जा रही है और ये जो लाइन है ये आके ऐसे रिपेल हो जाएगी, अंदर ऐसे रिपेल हो गई, ओके। सो इनसाइड जो है, इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और इट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीक, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीक। दिस हैपेंस इन 1 × 10^5, ऐसा नहीं है कि 10 में, 1 × 10^5 इतना ही कम होता है, बट दिस इज रिपल्शन। तो दिस इज नोन एज रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी होती है। एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट, क्योंकि रिपल्शन है इसका मतलब इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल व्हाट इज अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
इज दिस क्लियर? सर। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन हियर. तो यहाँ पे एक लाइन और ये बोल रहा है, डज द सब्सटेंस डेवलप अ मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड हेंस रिपल्शन. ओके, तो यहाँ पे कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस के बारे में बताया गया, तो रिमेम्बर दिस. बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, याद रख लो. एक सेकंड में आया. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, और जो अभी बताया ना कि मैग्नेट इलेक्ट्रॉन स्पीड अप, इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन, इट अपोजेज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, ये सब जो है ना ईएमए के चैप्टर पर लेंस लॉ इसका एक्सप्लेनेशन देगा. I'm not explaining anything right now. I'm just saying that remember this, okay? और ये जो property है, ये आखा से ये basically electron जो orbit में move कर रहा है, जो कि हर atom में होगा. और अगर external magnetic field apply करेंगे, तो electron का speed up होना है, speed down होना, ये भी हर atom के लिए equally applicable है, okay? So that means this diamagnetism is present in all the substance. हर एक substance के पास अपना diamagnetic behavior होगा. लेकिन सब्सटेंस जो होंगे उनके पास दूसरी प्रॉपर्टीज भी होगी. सो और ये जो है ना ये सबसे वीक है, इट्स अफेक्ट इज वीक. सो क्या होता है कि इट गेट शिफ्टेड बाय अदर अफेक्ट्स लाइक पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. इसीलिए सारे सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, सब सब्सटेंस डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाते. डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता सबके अंदर है, लेकिन जो दूसरा बिहेवियर है या तो पैरामैग्नेटिज वाला है या फेरोमैग्नेटिज वाला, वो अगर हावी हो जाएगा तो वो नहीं होगा. ओके, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोगों ने जब पिछली बार क्लास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन किया था, वी डिफाइन दिस प्रॉपर्टी ना जाई. जाई इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. एंड व्हाट आई सेड इज फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जाई इज नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल, बट जाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन जीरो. बस इतना ही होता है, नेगेटिव एंड स्मॉल. तो जाई के लिए जो माइनस वन होती है एग्जैक्टली, दैट इज फॉर सुपर कंडक्टर, जिसको एग्जॉटिक मटेरियल्स बोले जाते हैं. द एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटीरियल. एक्सट्रीम है एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जीरो हो जाता है, एग्जिस्टिंग एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. और इनके लिए जो जाई होता है वो माइनस वन हो जाता है, दैट इज दे हैव परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. सुपर कंडक्टर्स जो है दे हैव परफेक्ट कंडक्टिविटी, परफेक्ट कंडक्टिविटी देर इज नो रेजिस्टेंस, परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. ओके, सो वी कैन से डायमैग्नेटिज्म एंड कंडक्टिविटी गोज पैरेलल टू ईच अदर. हालांकि ऐसा कोई हमारे पास रिलेशनशिप बुक में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इट इज क्लियरली विजिबल हियर कि सुपर कंडक्टर जो है परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं. सो जाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड म्यू आर जो था वो क्या था, म्यू आर वॉज वन प्लस जाई. सो म्यू आर इज इक्वल टू जीरो सुपर कंडक्टर्स के लिए, जहां पे आर जीरो होता है वहां पे म्यू आर भी जीरो होता है. रिमेंबर जेई मेंस में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है. सो इट डजंट एक्सप्लिसिटली सेज म्यू आर इज जीरो, बट व्हेन इट सेज अ सुपर कंडक्टर और व्हेन इट सेज जाई इज माइनस वन, देन यू रिलेट इट टू सुपर कंडक्टर.
तो अगर आर जीरो दिया है तो म्यू आर को जीरो ले लो या जाई को माइनस वन ले लो, यू हैव टू इन्फर फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स ओके एग्जाम में. हेंस द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड. अ सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट एंड बाय थर्ड लॉ इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट. द फिनोमेना ऑफ अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज मीजनर इफेक्ट. ओके सो वॉट इज मीजनर इफेक्ट? इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसके बारे में बोला गया. इट्स द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट. मीजनर इफेक्ट इज फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर. So, the magnet is repelled in the magnetic field. Okay. तो इसी प्रिंसिपल पे जो है ना मैग्नेटिक ट्रेंस बनी हुई है. सो वॉट हैपन्स इज जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रिपेल करते हैं ना तो हल्का सा दूर हो जाता है. सो द ट्रेंस विच आर रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द एयर एक्चुअली. वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रही है. तो जब वो ट्रेन चलती है ना तो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं ना वो उसकी जो रेल्स होती है नीचे जिसपे गाइड होती है उस पर टच नहीं होते और वह एलिवेटेड ट्रेन होती है. ओके सो द बेनिफिट ऑफ सच ट्रेन इज बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज द टू सर्फेस आर नॉट इन टच तो कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो इफ देर इज नो फ्रिक्शन देन देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और इस पूरे कॉन्सेप्ट पे बहुत एक सिंपल सा सवाल जेईई एडवांस में भी आ चुका है. सो यू सी के एक सिंपल सी इस लाइन पे the phenomenon of the perfect diamond superconductor is called the Meissner effect and is gainfully exploited in variety of situations for example running magnetically levitated super fast trains. और बस खाली इस एक लाइन पे एक सिंपल सा सवाल IIT में आ गया था आज से कुछ 4-5 साल पहले. तो जब हम JEE एडवांस के पेपर डिस्कस करेंगे ना तो हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे. ओके सो दिस डायमैग्नेटिज्म इज क्लियर? तो जस्ट रिमाइंड रिव्यू इट. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सो इट्स लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप सो इट हैज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट सो इट हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. व्हेन दिस लूप करंट इलेक्ट्रॉन का जो लूप है विच इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस लूप देन द इलेक्ट्रॉन स्लोज डाउन एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग लूप then the electron speeds up. That is basically this electron is trying to oppose the external magnetic field and which is coming from the Lenz law. You just have to remember this. So either the electron slow down or the electron speed up. So it is trying to oppose the external magnetic field. So external magnetic field decrease करने की कोशिश कर रहा है. अगर external magnetic field decrease हो रहा है मतलब वो weak हो रहा है. That means magnetic field is दूर दूर हो जाएगी. दूर दूर होने का मतलब है कि अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा तो लाइन स्पार्स हो जाएगी. बट दैट इज ओनली वन टू टेन टू फाइव वन इन टेन फॉर फाइव. ओके वन इन टेन फॉर फाइव. ओके अगर हम इसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड. और कुछ सब्सटेंस के नाम जो यहाँ पे दे रखे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के वो रटने के वो याद कर लो. बिस्मथ कॉपर लेड सिलिकॉन नाइट्रोजन एंड एसटीपी वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. एटलीस्ट ये सारे नाम तो याद होने चाहिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके दूसरा है कि जब कोई परफेक्ट डायमैग्नेटिक शो करता है दैट इज व्हेन जाई इज इक्वल टू माइनस वन या म्यू आर इज इक्वल टू जीरो. इसको बोलते हैं एक्सोटिक डायमैग्नेटिज्म और ये प्रॉपर्टी सुपरकंडक्टर में दिखती है. सो सुपरकंडक्टर हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. इनफैक्ट द रेजिस्टेंस उनका पूरा जीरो होता है और इस कॉन्सेप्ट में जो है मैग्नेटिक लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेंस बनी हुई है. ओके सो दिस क्लियर्स आवर डायमैग्नेटिज्म. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पैरामैग्नेटिज्म.
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप की जा सकती है, ओके उनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीकली मैग्नेटाइज्ड पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सब्सटेंस कौन से होते हैं विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, वापस से प्रॉपर्टी वही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल में ऑर्बिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, आइदर द इलेक्ट्रॉन स्पीड्स अप और द इलेक्ट्रॉन स्लोस डाउन, विच इज अ डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर। अब दूसरा बिहेवियर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर एडिशन हो जाता है, एंड दिस अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। व्हेन वी एड अप द इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन देन वी गेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम। एटम के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक बिहेवियर क्या था, इलेक्ट्रॉन इज स्पीड अप एंड इलेक्ट्रॉन स्लोस डाउन, दैट इज बेसिकली डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है, द लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। समझ रही हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रॉन का लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेशन की वजह से वो भी इस डायरेक्शन में। ओके एंड इफ यू पुट इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लाइक दिस, बी एक्सटर्नल में ऐसे रखते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, ये वाला जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। समझ में आया, दिस इज अ प्रॉपर्टी। इवन दो इलेक्ट्रॉन इज स्टिल स्लो डाउन एंड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। तो हो सकता है कि ये बी स्लो डाउन हो रहा हो, सॉरी ये बी कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, बट बिकॉज इट्स अलाइनिंग। तो पहले तो क्या था कि बी इस डायरेक्शन में था, बी एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में था, देन बी वॉज डिक्रीजिंग, तो बी एक्सटर्नल को अपोज करने की कोशिश करता। अब क्या हो रहा है, बी इसी डायरेक्शन में अलाइन भी हो गया, सो दैट इज इट इज एडिंग टू द बी एक्सटर्नल, इट इज स्लोइंग डाउन ऑल्सो, तो उसकी जैसे बी डिक्रीज भी हो रहा है, बट नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट हो रहा है कि बी इज स्लाइटली इंक्रीज इनसाइड द मटीरियल, बी मटीरियल के अंदर स्लाइटली इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ये जो बिहेवियर है अलाइनमेंट वाला जो डायमैग्नेटिक में एबसेंट था, डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रहा था, इट वॉज ओनली स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्लोइंग डाउन विच इज देयर, हम उसको डिस्कस ही नहीं करें, वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इट इज अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो अलाइन हो रहा है तो बी एक्सटर्नल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दिस इंक्रीज इज स्मॉल बट इट इज सिग्निफिकेंट, सो वी से दैट
देर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और इट इज स्लाइट. तो यहां पे क्या हो रहा है, यू सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. आ गया समझ में? हाँ सर. तो व्हाट वाज हैपनिंग हियर इज, नाउ रिमेम्बर, ईच एंड एवरी एटम वाज हैविंग इट्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट. ईच एंड एवरी एटम वाज हैविंग इट्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का वेक्टर एडिशन व्हिच वाज नॉट समिंग अप टू जीरो, बट ऑल द एटम्स वर रैंडम, सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस वाज जीरो. रिमेम्बर, पापे से बोल दे दो, इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट था, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर एडिशन हुआ, एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, बट हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर एडिशन रैंडम है, तो नेट सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है. अब क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स थोड़े बहुत एक्सटर्नल फील्ड में अलाइन हुए, परफेक्टली अलाइन हुए, थोड़े बहुत अलाइन हुए, उसकी वजह से नेट जो है सब्सटेंस के अंदर खुद का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया. So, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और एडिशन करता है एंड इट बिकम्स डेंस इनसाइड. सो दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग और वी से दैट इट देयर इज अ नेट मैग्नेटाइजेशन, देयर इज अ नेट मैग्नेटाइजेशन, द फील्ड लाइंस गेट कंसेंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड द फील्ड लाइंस इज एनहांस्ड. ओके, एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल मूव फ्रॉम वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड. It tends to move from a weak field to strong field. Diamagnetic में behavior अलग था. It was moving from strong field to weak field. Here it is moving from weak field to strong field. अब यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं. Aluminium, sodium, oxygen at STP. वहाँ पे nitrogen at STP था. याद रख लेना. यहाँ पे क्या था? Nitrogen at STP था. Diamagnetic में. और यहाँ पे है oxygen at STP. और वहां पे सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है. थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए एक बार कागज पे लिख के अच्छे से याद कर दो. एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड सोडियम कॉपर क्लोराइड. अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी आ गए जो डायमैग्नेटिज में नहीं थे. डायमैग्नेटिज में खाली सुपर कंडक्टर से रिलेट करके छोड़ दिया था. यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, मैग्नेटाइजेशन जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा. द रीजन इज सी, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो वाइब्रेशन और रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है. व्हेन द रैंडमनेस डिक्रीजेस, मतलब अपनी मर्जी से जो रैंडमली घूम रहा था वो डिक्रीज हो जाता है, तो उनका अलाइनमेंट और प्रॉपर हो जाता है. सो हियर इट सेज, द फॉर्मूला सेज दैट magnetization is inversely proportional to the temperature. So this is equal to C times B naught upon T. तो जैसे जैसे T को डिक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा, where B naught is a external electric field. और हमने ये भी पढ़ा था ना, xi is equal to C times mu naught upon T. ओके, सो दीज टू रिलेशनशिप आर इक्विवेलेंट, दीज टू रिलेशनशिप आर इक्विवेलेंट. दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ. द कॉन्स्टेंट सी इज कॉल्ड क्यूरीज कॉन्स्टेंट. इसको क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ. इस पर भी एक सवाल आता है एंड दिस इज नोन एज क्यूरीज कॉन्स्टेंट. बहुत इजी इजी सवाल आते हैं इस पर, और आराम से इसको रट के, मतलब रटना क्या है, समझ के, और 4 मार्क्स जेई मेंस में, जेम में. जेई एडवांस में तो नहीं आता है ये सब, ये टॉपिक जेई मेंस में 4 मार्क्स जेम में. ये सिंपल फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, सिंपल सिंपल. तुम्हारी बुक में जो टेबल दे रखे ना उस पर सिंपल सवाल आते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते. सो फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल बोथ xi एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली इन द मटीरियल बट ऑल्सो ऑन द सैंपल टेम्परेचर. सो पैरामैग्नेटिक मटीरियल के लिए क्या बोल रहे हैं,
डाई के नहीं, पैरा के लिए, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जाई एंड म्यू आर बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। याद रख लेना म्यू आर का फॉर्मूला क्या था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। तो जैसा जाई का बिहेवियर होगा वैसा ही म्यू आर का भी बिहेवियर होगा। एज द फील्ड इज इंक्रीज और द टेम्परेचर लोअर, मैग्नेटेशन इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेस अ सैचुरेशन वैल्यू MS at which point all the dipoles are perfectly aligned. Beyond this, Curie's law is no longer valid. So Curie's law कहाँ तक valid है? Curie's law is valid till M reaches MS, that is saturation. Saturation means all the डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइन, ऑल द डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइन। और ये कैसे होता है, परफेक्टली अलाइन कैसे होता है, बाय आइदर इंक्रीजिंग बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक को इंक्रीज करते जाओ, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टी। टेम्परेचर डी डिक्रीज करने से रेंडमनेस डिक्रीज होता जाएगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से टॉर्क इंक्रीज होता जाएगा, और वो परफेक्टली अलाइन होते चले जाएंगे। टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क लाएगा, उसको स्टेबल कर देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएंगे। सो दे आर परफेक्टली अलाइन, ऑल द डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइनिंग, एंड दिस इज वेयर क्यूरीज लॉ उसके बाद वैलिड नहीं होता है। सो देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, सारे डायपोल्स अलाइन होकर, उसके बाद एम इंक्रीज नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा था ना एम क्या होता है, एक तो खुद की इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बट देन वी फाइंड आउट दैट एम आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल करंट, इसीलिए फिर हमने वो एच के जाई के साथ रिलेशन निकाला था एम का। रिमेंबर दैट डेरिवेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी कम टू फेरोमैग्नेटिज्म। मैं शुरू तो कर लेता हूँ फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन आज ओवर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको कल वापस से कंटिन्यू करेंगे फेरोमैग्नेटिक सस्टेंस को। फेरोमैग्नेटिज्म, सो यू सी हियर कि इस सब्सटेंस में कोई जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अदर स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप, एज अ रिजल्ट देयर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट इज डिक्रीजिंग, देयर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट इज डिक्रीजिंग इंडिविजुअली, बट ओवरऑल द लूप्स आर अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, and this is happening at an atomic level, not at an individual atom level, क्योंकि atom का एक net magnetic moment है, और atom का net magnetic moment जो है external field की direction में align हो रहा है। Okay, so now this paramagnetic behavior diamagnetic behavior के ऊपर हावी हो जाता है alignment वाला, इसीलिए ये substance paramagnetic behavior दिखाते हैं। Now we come to the next behavior which is known as ferromagnetism. तो डायमैग्नेटिज्म में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे। पैरामैग्नेटिज्म में क्या था कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बट एटम का ओवरऑल एक नेट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था एटमिक लेवल पे, तो एक एक एटम की बात हो रही थी। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डोमेन बोलते हैं इसको, डोमेन जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ साइज ऑफ 1 मिलीमीटर, मतलब छोटा सा वॉल्यूम ले लो जिसकी साइड लेंथ 1 मिलीमीटर है, क्यूब ले लो, मान लो 1 मिलीमीटर साइज का क्यूब ले लो, तो ये छोटा जो वॉल्यूम है, ये छोटा वॉल्यूम, इट इज दिस इज नोन एज अ डोमेन। और अगर इस डोमेन के बिहेवियर को समझना हो, देन वी हैव टू गो इनटू क्वांटम फिजिक्स, जो हमारी बुक में नहीं आता। तो व्हाट हैपेंस इज कि इस डोमेन में, मतलब छोटे से साइज में जितने भी एटम होते हैं ना, वो सारे एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता, सब इलेक्ट्रॉन सब एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता।
तो इस छोटे से वॉल्यूम में अपन बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, बगल वाला जो डोमेन होगा, बगल वाला जो डोमेन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि इस डायरेक्शन में अलाइन, और इधर जो बगल वाला मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डोमेन होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन में अलाइन। अब मगर यहाँ पे डोमेन बन रहे छोटे छोटे, और इन डोमेन को फिजिकली ऑब्जर्व भी किया जा सकता है बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। सो दिस इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। जैसे अपन मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या करते हैं कि अपन मैग्नेट लेते हैं किसी कागज के ऊपर, आयरन फिलिंग्स लोहे का जो बुरा होता है ना उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, और ऐसे थोड़ा सा टैप करते हैं तो सारे जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ना एक पर्टिकुलर शेप में अलाइन हो जाते हैं, विच गिव्स अस द फीलिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना उसपे अपन क्या करते हैं कि वी स्प्रिंकल लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर, लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर, दिस मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व। ओके, तो उसमें जब तुम उन उस सस्पेंशन को अलाइन होते हुए देखते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सो यू नो कि हाँ डोमेन होते हैं। सो दीज आर द रैंडम डोमेन्स, ये छोटे छोटे डोमेन्स हैं जिन सबका अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो यू ओवर द क्लास हियर ओनली एंड कंटिन्यू टुमारो कि डोमेन्स कैसे अलाइन होते, बट यू क्लियरली अंडरस्टूड डायमैग्नेटिज्म में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म में एज एन एटम, एंड फेरोमैग्नेटिज्म में एज अ ग्रुप ऑफ एटम। इसीलिए पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म भारी हो जाता है, और फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर भी भारी होगा, और फिर वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। ओके, सो ओवर द क्लास हियर ओनली।